तो दोस्तों सिकंदर मूवी के विलन को लेकर जानकारी सामने आई है। जी हां, सलमान खान ने लंबे समय बाद अपनी अगली फिल्म सिकंदर की अनाउंसमेंट कर दी है। इसे यार मुरुगदास डायरेक्ट करने वाले हैं। साजिद नाडेडवाला की प्रोड्यूस की हुई इस फिल्म की शूटिंग को लेकर अपडेट आया है। बता दें कि सलमान खान अगले महीने यानी मई से सिकंदर की शूटिंग शुरू करेंगे, मगर एक पैच है। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान की फिल्म सिकंदर की शूटिंग लगातार नहीं की जाएगी। इसकी वजह है यार मुरुगदास। रिपोर्ट के मुताबिक सिकंदर को शुरू करने के बाद मुरुगदास बीच में एक क्विक ब्रेक लेंगे। वो सिकंदर के अलावा अपनी अगली फिल्मों पर भी काम करेंगे। ये उनकी तमिल भाषा की फिल्म होगी जिसे वो शिवा कार्तिकेयन के साथ बनाने वाले हैं। वो इस फिल्म की शूटिंग जून में पूरी कर लेंगे और सलमान खान की सिकंदर की शूटिंग मई से शूट करेंगे। पहले शेड्यूल को पूरा किया जाएगा, इसके बाद वो शिवा कार्तिकेयन के साथ उनकी अगली फिल्म पर काम करेंगे जिसका फिलहाल टाइटल SK23 बताया जा रहा है। फिर जून में इसे पूरा करने के बाद जुलाई से मुरुगदास फिर से सिकंदर पर काम चालू करेंगे। सिकंदर को इंडिया और यूरोप के बड़े स्केल पर शूट किया जाना है। सलमान खान की यह फिल्म इसीलिए भी खास है क्योंकि सलमान खान ने काफी सोच विचार कर इस फिल्म पर काम करने का फैसला किया है। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक यार मुरुगदास ने सिकंदर के विलन के बारे में खुलासा करते हुए बताया, सिकंदर का विलन हीरो से 10 गुना ताकतवर होगा। अब सिकंदर से उम्मीद जताई जा रही है कि सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर फिर से छा जाएंगे। इस फिल्म का बजट 400 करोड़ बताया जा रहा है। लंबे समय से मुरुगदास सलमान खान के साथ काम करना चाह रहे थे और अब जाकर संभव हुआ है। साजिद नाडेडवाला इसे अपने प्रोडक्शन की सबसे बड़ी और एम्बिशियस फिल्म के तौर पर बना रहे हैं। इसे एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बताया जा रहा है। साजिद एंड टीम चाहती है कि 2024 के आखिर तक फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली जाए ताकि पोस्ट प्रोडक्शन के लिए उन्हें 3 से 4 महीने का वक्त मिल जाए। सिकंदर को 2025 पर सिनेमा घरों में रिलीज किया जाना है। वैसे दोस्तों आप सिकंदर के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही सलमान खान से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।